आइडियल कैंडिडेट 324th जॉब हंट ड्राइव सैटरडे को इस पूरी भद्दर गर्मी में पूरे जोश के साथ कल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जिनको ज़रूरत होती है जॉब की, जो वास्तव में समझते हैं, उनको गर्मी भी कम लगती है, उनको ये हीट हरा नहीं पा रही है। जिनके पास में लगता है कि हाँ अरे गर्मी बहुत है, गर्मी में हम बीमार हो जाएंगे, जिनको हीट हरा ले जा रही है, उनके लिए एक अलग बात है। मैंने देखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस हीट में भी ज्वाइनिंग लेने की बिल्कुल विजय ले चुके हैं। माय डियर कैंडिडेट, बहुत बहुत छोटी सी बातें हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज लोहिया थर्ड से मैं स्टार्ट आपसे करूँगा। आज वहाँ पे कम से कम जब 40 मिनट की बातचीत हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझसे कही और बहुत सारी प्रोफाइल डिस्कस करी। उन्होंने भी बोला, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया और मुझे बताया भी कि सर कैसे कैसे कैंडिडेट टाइम जो होता है उसके बाद में आ जाते हैं, प्रॉपर ड्रेस में हुआ है, कोई एटिकेट्स हैं, कुछ होती हैं। हम लोग जब कोई आता है तो चाहते हैं उसका इंटरव्यू हो, दूर से आया है, परेशान नहीं हो। कुछ कंपनीज़ कंसर्न काफ़ी अच्छा करती हैं, बट कैंडिडेट्स को भी, मैंने आपसे इसीलिए कहा कि ये जो बेरोजगारी वर्ल्ड है, जो अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। हम अनएम्प्लॉयमेंट में, अगर हम अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, हमें कंपनी की ज़रूरत में हम फिट कहाँ नहीं हो रहे हैं। एज ए, अब इस दर्द को तो हम लोग केवल समझ सकते हैं। मार्केट में जो बात आती है, लोग जानते हैं, अरे आज रोज़गार नहीं है, आज जॉब नहीं है, आज लोगों को जॉब मिल नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कंपनीज़ को राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, वो कैंडिडेट से भी ज़्यादा परेशान हैं। बिजनेस उनके एस्टेब्लिशमेंट हैं, कंपनीज़ उनकी एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो कैपिटल लगा चुके हैं, उनको बंदे वो चाहिए जो जिससे वो निकाल सकें, उनको रिटर्न आना स्टार्ट हो जाए, बात आती है, वो भी एक तरीके से परेशान हैं। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। और मैंने जब आज उन्होंने बात करी, बहुत सारे एटिकेट्स की बात करी, बहुत सारे, अब एक जॉब दिलाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज़ के जेडी को देख रहा है, वो ट्रेनिंग और आपकी पढ़ाई चालू नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वही वाली लड़ाई है जो आज सारे कॉलेजेस कर रहे हैं। आज सारे कॉलेजेस ने कैंपसेस में एटिकेट्स केवल कोर्स वाले, सिलेबस वाले तो सिखाए हैं, बट कंपनी की ज़रूरत जेडी के अकॉर्डिंगली उनको नहीं पता होते हैं। और इसी का बहुत बड़ा चैलेंज आता है कंपनीज़ के लिए। इसीलिए वो बोलते हैं टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, उस टाइमिंग में उन्हें प्रोडक्शन को रोक करके किस तरीके से कर रखा होता है कि उनको इंटरव्यू लेना है। अगर वो उस टाइम पर नहीं आए तो फिर हमें सेकेंड हाफ में वो वापस नहीं जाएँ, हमें फिर उन पीछे करना पड़ता है। प्रोफेशनलिज्म की बात उन्होंने करी, शिफ्ट की बात करी कि हमारे यहाँ जो शिफ्ट चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो शिफ्ट भी बहुत रेगुलर रहती है, वो काम भी चलते रहते हैं, बहुत सारी डिटेल डिस्कशन हुए। ये भी समझ में आया उन्होंने, हम लोगों की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी कि हम उनको शॉर्टलिस्ट वो करके दें, टाइम से कैंडिडेट जाएँ और वो टाइम से पहुँचे। एक इवन कहा उन्होंने, बहुत एक बंदा आ गया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर के आ गया था और सर इतना ऑड लग रहा था कि पूछिए नहीं। माय डियर कैंडिडेट, अब ये सारी बातें कॉमन सेंस की बातें हैं जिनको सबको समझना होगा। सिर्फ एक जॉब नहीं चाहिए, हम एक प्रोफेशनल कंपनी में प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में एक प्रोफेशनल जॉब प्रोफाइल को लेने जा रहे हैं। उसके लिए समझना जरूरी है, लेबर हेल्पर की केवल प्रोफाइल्स नहीं हैं ये। और इसीलिए मैं आप लोगों से इस बात को बोलता हूँ, थोड़ा सा आपको भी अपने बारे में सोचना है कि हम कहीं जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं। कुछ कंपनी देसी हो सकती हैं, कारखाने टाइप में जो होती हैं वो भी जॉब देती हैं, वहाँ पर हो सकता है ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखते हों, पर कई जगह पर प्रोफेशनलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। और इस चीज़ में हमें भी आगे बढ़ के जाना पड़ेगा। और इसीलिए जो ये कॉम्बिनेशन है, मैं इसलिए सब बातों को कहता हूँ कि कंपनी में भेजने से पहले मुझे आपको कुछ ऐसी बातें बतानी होती हैं, पॉइंट्स पिच करने होते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कैसे आपको बात रखनी है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब बातों को पिचिंग से आपके पास में जॉब और पैकेजेस कन्वर्ट होता है। और ये जो कन्वर्जन हो रहे हैं इधर, इन्हीं कारणों से हो रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, केवल एक साइडेड नहीं कह सकते अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो उन्हें चाहिए वो लोग भी नहीं हैं। इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट बड़े बड़े स्किल्स प्रोग्राम, बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है जिनका फ़ायदा नहीं होता है। और संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव ने जो किया है, ये बात अगर पहुंच पाए वहाँ तक जहाँ तक पहुंचनी चाहिए कि कंपनी की जो ज़रूरत है उसके लिए वहीं के एक्सपीरियंस बंदे से ट्रायल करा करके भेज दो तो उनका पैकेजेस आ जाता है। इसके लिए बड़े काम नहीं करने हैं, छोटे काम करने हैं जो बहुत आसानी से हो सकते हैं। लेकिन जब आज ट्रेनिंग गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेने वाली जो संस्थाएं बनती हैं, जो ट्रेनिंग देती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य शायद जॉब लगाना नहीं होता है, उनको शायद एक बंदे के जॉब लगाने से मिलने वाला जो पैसा होता है वो उद्देश्य होता है। इसीलिए स्किल्स प्रोग्राम में
टेम्परेली जॉब के लिए बंदे जाते हैं, टेम्परेली उनको उतनी बातें सीख जाते हैं, जब उनको वो जॉब उनको 3 महीने कर लेते हैं तो उनके लिए कुछ पैसा उन ट्रेनिंग पार्टनर्स को मिल जाता है। माय डियर कैंडिडेट, जॉब एंड ड्राइव संस्कार सोसाइटी का सिर्फ एक और सिंगल एक उद्देश्य है, इनको कोई टेम्परेरी जॉब की बात नहीं है, इनके पैकेजेस बढ़ें, इनकी प्रोफाइल में काबिलियत को कैसे बढ़ा करके उनके पास रखा जाए, उतनी बात जितनी ज़रूरत है उतनी बात सीख करके कैसे अपने पैकेज को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए संस्था काम कर रही है। ये अपने आप में एक रिमार्केबल प्रोग्राम, रिमार्केबल कोशिश, जिसमें कंपनीज को हम सेटिस्फाई कर पाएँ कि ये कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट्स की लगातार ज़रूरत है। माय डियर कैंडिडेट, मैं आज आपको इंश्योर कर दूं कि कानपुर में इंग्लिश कम्युनिकेशन जिनका ठीक है, जिनका इंग्लिश नहीं भी ठीक है, जो अकाउंट्स की प्रोफाइल हैं, जो टेक्निकल प्रोफाइल हैं, जो नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स हैं, इन सब में एक छोटी बड़ी बहुत बड़ी 30 लाख के पैकेज तक में सभी तरीके की रिक्वायरमेंट्स कानपुर में लगातार बनी हुई है। मैंने एक बात और बहुत करीब से देखी और महसूस करी है, कैंडिडेट्स आज जब कंसल्टेंसी जॉब की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक कड़वे अनुभव कंसल्टेंसीज के कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, लोगों से सुनी बातें होती हैं। मैंने इसीलिए बार बार कहा है, वीडियो देखिए, वीडियो की सच्चाई को समझिए, वीडियो को अगर 4-5 भी देख लेंगे तो उसमें आने वाली चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं और आपकी ज़रूरत अभी केवल इमीडिएट जॉब है, तो जॉब ज्वाइन करते हुए भी आप बड़े पैकेजेस की ओर अप्रोच करते हैं, उसके भी तरीके और बहुत लोगों ने किए हैं। 13,000 से 35,000, 35 वाला कैसे 57 में पहुंचा है और कैसे एक बाहर वाला कैंडिडेट जो बाहर रह रहा है नोएडा से कानपुर में आकर के 70 से 75 के पैकेजेस में है, 1.5 लाख के पैकेजेस में है। माय डियर कैंडिडेट, इस लेवल की अप्रोच जब आपकी होगी, जब आप शुरुआत कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे, तो कानपुर भी ऐसे रिजल्ट्स को दे रहा है। इम्पॉर्टेंट बात यह है, अप्रोच, एटीट्यूड एंड ये सब आपको बदलनी पड़ेगी। और वो कंसल्टेंसी है, पता नहीं ना कराए कंसल्टेंसी, तो घरों में भी मैंने देखा, माँ बाप भी आजकल, उनको भी कड़वे अनुभव होते हैं, कभी पैसा किसी को दिया होगा, उस पैसे उनके कहीं पैसे फंस गए होंगे, उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाए अभी तक, उसी को पकड़ के बैठे और नई चीज़ें बढ़ी नहीं रहे। माय डियर कैंडिडेट, कड़वे अनुभव आपको मिल रहा है, बस उसी कड़वे अनुभव का चश्मा लगा करके सब जगह अगर वैसी एनर्जी फैलाएंगे, वही देखेंगे, तो नुकसान अपना सबसे ज़्यादा पहले आप कर रहे हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आपको इतनी बात बता दूं कि आप अगर चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि एक अच्छी जॉब आपको मिले, एक अच्छी प्रोफाइल मिले, तो यूट्यूब चैनल को बराबर देखिए, रोज़ की रिक्वायरमेंट देखिए। और कल के सैटरडे के जॉब एंड ड्राइव के लिए लोहिया थ्रेड में जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं, प्लांट हेड फॉर बेंगलुरु लोकेशन में एक है 17 लाख टू 20 लाख, शिफ्ट ऑफिसर फॉर डाइंग एंड ये क्या है सर, अल्टुस्टिंग डिपार्टमेंट, हु इज़ रेडी टू वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट। शिफ्ट देखिए इनके यहाँ पे कई हैं, एक वीक किसी की शिफ्ट है, दूसरी वीक इसके लिए उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि कैंडिडेट को ये बता करके आप इंटरव्यू से कराइए। आईटी एक्सक्यूटिव में इनके यहाँ जो हार्डवेयर के जितने भी हैं, वो चाहे लैपटॉप हो चाहे और कंप्यूटर हो, उन सब में इमीडिएटली डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ट्रबल शूटिंग तुरंत जिनको आता हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जिनको एक्सेल बहुत अच्छा आता हो, और वहीं पर शिफ्ट में देखिए, ये शिफ्ट की बात पे ध्यान दीजिएगा, लोहिया थ्रेड में शायद एक शिफ्ट 11-12 तक होगी, फिर बीच में होगी बसेस की उनकी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन शिफ्ट में करने के लिए आप रेडी हों, इन चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट बात है। शायद डेटा एंट्री में शिफ्ट है कि नहीं है सर, इसमें शायद नहीं है, हाँ इसमें शिफ्ट ऑफिसर में ना, शिफ्ट ऑफिस, शिफ्ट का मतलब ही यही है कि इसमें आपके लिए अलग अलग शिफ्ट में आपको जॉब करनी है। ये कई सारी प्रोफाइल मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, इसमें इमीडिएटली जॉब आपकी प्रोफाइल शेयरिंग, इंटरव्यूज, फाइनलाइजेशन की चीज़ें हो सकती हैं, जिसके आगे बढ़ सकते हैं। इंजेक्टोप्लास लोहिया में मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक बहुत अच्छी बात हुई, यहाँ पे 100 भेजो तो आपके 2 लोगों का सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्टिंग होती है, फिर होती नहीं है। माय डियर कैंडिडेट, जॉब एंड ड्राइव संस्कार सोसाइटी इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, जुगाड़ से जॉब नहीं, आपकी शॉर्टलिस्टिंग और आपकी प्रोफाइल बेस्ड आपका सिलेक्शन ही हमारी जीत है, रेफरेंसेस का यूज़ नहीं। मैंने आज देखा, आज एक उदाहरण मेरे पास में आया, जिस रेफरेंसेस से जिनको जॉब मिल रही है वहाँ पैकेज बढ़ नहीं रहा और शोषण हो रहा है, और वो उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है और एहसान दिखा रहा है कि मैंने तुम्हारी जॉब लगवाई है तुम अब ये भी मेरे लिए करो। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, अपनी दम पे जॉब पे जाइए, जहाँ जॉब, और अपनी दम पे दिखाइए कि तुम्हारा काम मेरे बिना नहीं बन पा रहा है, और दूसरी कंपनियों में आप जा सकते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, हमेशा ध्यान रखिए, रेफरेंसेस बेस्ड जॉब, जुगाड़ की जॉब से आपका करियर नहीं बनता है, आपकी सिर्फ मिनिमम लेवल की रिक्वायरमेंट, कुछ अर्निंग चालू हो जाती है। तो इंजेक्टोप्लास में एक ज्वाइनिंग हुई है,
टेल लेट टू इसी कंपनी में एक बंदा रेफरेंस में बेस में मुझे भी पता चला कि आज वो जब आया मेरे पास तो उसने अपना दर्द बताया कि सर बहुत पहले गए थे तो कैसे उसका इमीडिएट बॉस जिसने ज्वाइनिंग कराई थी वो इसको कितना एक्सप्लॉइट कर रहा था। सुन के लगा कि कभी कभी हाँ चलो अच्छा है, संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव एक काम कर रही है कैंडिडेट्स को उनके प्रोफेशनलिज्म, उनके प्रोफेशनल CV के बेसिस में, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस में हम लोग उनको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो CA की वैसे भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड चल रही है, CA 10 लाख से 15 लाख, परचेज ऑफिसर हैविंग ए नॉलेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल परचेज में, कैंडिडेट जिन्होंने परचेज में काम किया हो वो अभी ये प्रोफाइल अभी भी इमीडिएटली अभी है इसमें भी इमीडिएटली कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं। MIS भी ठीक हो बट परचेज का एक्सपीरियंस उसको वैल्यू दे रहे हैं परचेज को। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख से 10 लाख, ब्रांड मैनेजर 4 लाख से 8 लाख, जूनियर HR एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। रितु हाउसिंग में लीगल हेड, जिन्होंने रियल एस्टेट में लीगल मतलब ये नहीं लॉ कराया तो आप सब जगह एप्लीकेबल है, जिनको रियल एस्टेट में सारी चीज़ों का आइडिया हो लीगल का क्या मतलब है वो 11 लाख से 15 लाख के पैकेज में है। RSPL ग्रुप में परचेज मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट 9 लाख से 12 लाख का पैकेज है। केवल ये कानपुर की मैं जिम्मेदारी RSPL ग्रुप में नहीं लेता हूँ, वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो सबको अक्रॉस इंडिया कर देते हैं कुछ दिनों में। AK इंफ्रा रियलिटी डेवलपर्स में ये प्रोफाइल में लखनऊ में बात हुई जिसमें डेटा एनालिस्ट सेल्स मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, ये लखनऊ बेस्ड की जॉब है, 3 लाख से 8 लाख का पैकेज है। माइल्डस्टोन ब्लास्टर्स में भी बात हुई, सेल्स मैनेजर ASM ADM BDM 3 लाख से 10 लाख का पैन UP का रिक्वायरमेंट है। इनके यहाँ क्या सर बनता है वो कंस्ट्रक्शन, हाँ ठीक है। VK पैकवेल में एक्सपोर्ट मैनेजर 50 से 70 का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक में CA 2 to 5 year एक्सपीरियंस 6 लाख से 8 लाख। MKU लिमिटेड असिस्टेंट मैनेजर HR पेरोल एंड कॉम्प्लाइंसेज हैविंग ए नॉलेज ऑफ SAP Mac सॉफ्टवेयर, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्टल एडिसिव में सेल्स मैनेजर सेल्स ऑफिसर सेल्स एग्जीक्यूटिव टूल रूम मेंटेनेंस ऑफिसर 2.5 लाख से 8 लाख है। यूरो फुटवेयर में फैक्ट्री HR मैनेजर 6 लाख से 8 लाख। हैवेल्स वेयरहाउस में वेयरहाउस मैनेजर 45 to 60 का पैकेज है। ट्राइडेंट में मार्केटिंग हेड परचेज हेड स्टोर हेड PA2 डायरेक्टर 6 लाख से 15 लाख है। माइजेस्टी कैफे में फीमेल CRE अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। टेक प्रो में मेल फीमेल रिसेप्शनिस्ट हैविंग अ नॉलेज ऑफ MS ऑफिस सिविल साइट सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। आईसर में स्मार्ट फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल में कैशियर हैविंग अ नॉलेज ऑफ टैली का रिक्वायरमेंट है। नमन गेस्ट हाउस में मेल रिसेप्शनिस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। श्री सूर्या नमकीन में सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। लिन फॉक्स लॉजिस्टिक में सुमेरपुर में सप्लाई चेन प्लानर का बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और सब जो इन्होंने लिंक में क्या था उनके पास कॉल आजकल में पहुंच जानी चाहिए। हैवेल्स में जिनके पास कॉल आई है इसमें वो जरूर अभिषेक सर को इन्फॉर्म करें। हैवेल्स में MIS एग्जीक्यूटिव गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एक बेयर हाउस में है सचिंडी में, एक उनके ऑफिस में है। सेकंड प्रोफाइल है कंप्यूटर ऑपरेटर सचिंडी में। विशाल इंडस्ट्रीज में फ्रेशर एक्सपीरियंस CNC ऑपरेटर्स, खंडेल वाले स्टील में सेल्स कोऑर्डिनेटर, सुपर हाउस में गारमेंट फिनिशिंग इंचार्ज स्टोर इंचार्ज फ्रॉम गारमेंट इंडस्ट्रीज, रोटोमैक पम्प में PPC कैंडिडेट्स चाहिए इनको। लिनफॉक्स लॉजिस्टिक में कंप्यूटर ऑपरेटर फिटर इलेक्ट्रीशियन क्वालिटी चेकर सुपरवाइजर SAP ऑपरेटर में रिक्वायरमेंट है। जॉनसन मेथे में जूनियर टेक्नीशियन, राजस्थान लिक्कर में रिसेप्शनिस्ट इनको चाहिए, रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल में जो रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल मैनेजर 40 पैकेज है। SE मार्केटिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइजर असेंबली इलेक्ट्रोप्लेटिंग डाई कास्टिंग के लिए चाहिए। राधे नमकीन में जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। AK इंडस्ट्रीज में जूनियर अकाउंटेंट। आदर्श इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एक्सक्यूटिव मल्टीपल वर्क एक्सक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। JM फार्मा में मैरिड फीमेल ऑफिस एक्सक्यूटिव हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। भारतीय ग्रुप में प्रोडक्शन कम क्वालिटी एग्जीक्यूटिव जूनियर अकाउंटेंट CRM प्रोफाइल का रिक्वायरमेंट है। श्यामा श्याम फैब्रिक में जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में MIS एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS एक्सेल। सुभाष मसाले में बैक ऑफिस टेलीकॉलर फीमेल कैंडिडेट्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बोनाफाइड में मेल फीमेल टेलीकॉलर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड कंप्यूटर नॉलेज। GP इंजीनियरिंग में सोलर मार्केटिंग एक्सक्यूटिव फिटर फॉर वर्कशॉप डिप्लोमा इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। लिंक प्रॉपर्टीज में स्मार्ट बैक ऑफिस रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है। CA SKJN के अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। नागरथ एल्युमिनियम में फ्रेशर एक्सपीरियंस डिप्लोमा BTEC BE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में परचेज असिस्टेंट ट्रिम एंड एसेसरीज के लिए चाहिए, सेफ्टी गारमेंट के लिए चाहिए। उन्नाव में स्काईटेक स्विचगियर में इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर चाहिए पैनल डिजाइनिंग के लिए। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर मशीनिस्ट सेल्स कैंडिडेट। GTEC कॉर्प में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर फीमेल टेलीकॉलर सेल्स इंजीनियर। जनाब टेक्सटाइल में जूनियर अकाउंटेंट
ये साईं बाबा पॉलीमर में, संडीला, रोहतक, मुंबई, कानपुर, लुधियाना में सीनियर एग्जीक्यूटिव क्यूए पीपीसी एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। बीसीएच इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, इनसे भी आज बात हुई है। मैक्सवेल लॉजिस्टिक में गुवाहाटी, पुणे, कानपुर में सीनियर ब्रांच मैनेजर 6 लाख-8 लाख। वेदर रिस्क मैनेजमेंट में असिस्टेंट मैनेजर एचआर, ये रिक्वायरमेंट एचआर 3 लाख-5 लाख में है। माय डियर कैंडिडेट, सारी कंपनीज जिनकी भी शेयरिंग आपके साथ हुई है, इन सब से बातचीत, इनकी जेडी, इनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, सबका एक रिकॉर्ड हम लोगों के पास में होता है। जरूरत पड़ने में जो जिनसे बातचीत होती है उनकी, हम उन कैंडिडेट्स को रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं। ये कम शब्दों में आप कैसे समझ सकते हैं, अपनी प्रोफाइल के बारे में उनकी सुन सकते हैं जो उन्होंने भेजा होता है। इसके अलावा माय डियर कैंडिडेट, ये बहुत ज़रूरी है, आपका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से उनके पास में हो भी और वो दिखेगा तो शॉर्ट लिस्टिंग करी जाती है, भेजा जाता है। माय डियर कैंडिडेट, इसी गर्मी में कल सैटरडे को जॉब हंट ड्राइव है और इसी गर्मी में कल कुछ लोगों को जॉब मिलेगी और कल कुछ लोग अपने घर से निकल भी नहीं पाएंगे। वही गर्मी, वही हालात, ऑब्जेक्टिव जॉब ही, लोगों के नेचर, लोगों के एटीट्यूड, लोगों के ऑब्जेक्टिव और मैथड सबके अलग अलग। उद्देश्य एक, घर में जॉब पहुँचे, एक अच्छी अर्निंग आए, सभी कैटेगरी में लोगों में जाए, बट कुछ बहुत जल्दी जॉब मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी, कुछ परेशान होंगे, ये सब कैंडिडेट के एक इन्वॉल्वमेंट और एक के हिसाब से होता है। हम लोग लगातार सर्व कर रहे हैं समाज को, घर को, परिवार में जॉब पहुँचे। आप लोगों के थ्रू भी, आप लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं, लोगों में ऐसी न्यूज़ को ज़रूर फैलाएं, जानकारी दें, लोगों का हिस्सा बने। निगेटिव चीज़ें बड़ी जल्दी आजकल फैलती हैं, लोगों तक आपको बात पहुँचाना इसलिए भी ज़रूरी है। कम से कम एक जब जॉब किसी हाथ में जाती है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, उसकी खुशी का, उसके अचीवमेंट का, और उसके घर में जब अर्निंग आती है और उसका उसके खर्च, उसको जो अर्निंग मिलती है उसके घर में कुछ उसके खर्चे होते हैं, उसका फ़र्क दिखाई देता है। माय डियर कैंडिडेट, सोच हमारी अच्छी है, ड्रीम हमारे अच्छे हैं, पर उसके लिए जो एक्शन प्लान है, कोर्स ऑफ एक्शन, जब वो अच्छा होता है उसका रिजल्ट दिखाई देते हैं। अपनी प्रोफाइल के साथ में कल 5-6 प्रोफाइल के साथ में यहाँ आइए, ये उम्मीद करके केवल मत चले आइएगा। कल सारी कंपनियों में एक साथ हम आपको बैठा देंगे, सब में इंटरव्यू हो जाएंगे और इमीडिएट फाइनल हो जाएंगे और जुगाड़ से कोई एंट्री हो जाएगी। ऐसे कैंडिडेट दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कैंडिडेट जो काबिलियत के दम पे, रिज्यूम के दम पे अपने आप में चाहते होंगे ऐसे संस्थाओं से वो जुड़ें जिससे उनके पैकेजेस अच्छे आएँ और उनको उंगलियों का सहारा नहीं देना पड़े, उनका रिज्यूम बोल रहा हो, सीवी बोल रहा हो, बातचीत बोल रही हो। और इस वजह से संस्कार सोसाइटी आज अपने आप को उन कंसल्टेंसी से अलग करती है जो केवल एक एड्रेस देने की खाना पूर्ति से लोगों को हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, बड़े बड़े स्टेटमेंट और बड़े बड़े ओवर स्टेटमेंट दे करके नॉर्मल सबको एक बात बता देते हैं। और इसीलिए आज 60 साल के, 55 साल के, 45 साल के परिवार वाले नए कैंडिडेट सब एक संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव एक छोटे तरीके से, छोटी अप्रोच से, नॉर्मल तरीके से एक ले करके चल रही है कि हम अपनी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं। फैसिलिटीज़, बड़ी बिल्डिंग, बड़े कोर्सेज, सर्टिफिकेट, ये जो चल रहे हैं उनके बेसिस में जॉब नहीं मिलेगा। एक अप्रोच, केवल एक उद्देश्य, लोगों के घर में आए, बढ़े, जॉब आए, अपडेटेड जॉब आए, अपग्रेडेड जॉब आए, उसका अप्रोच हम सब लोग 10:30 तक, अब हम सब पूरी टीम हमारी मेहनत करती है, अभिषेक वाजपेयी जी लगातार लगे रहते हैं और यहाँ पर सबको सुविधाएं ऐसी नहीं कि उनको A+ कैटेगरी की दी जा रही है। इसलिए सोच इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की है, कॉमन तरीके से, नॉर्मल तरीके से, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा करके जो NCR रीजन की कंसल्टेंसीज दिखाती हैं, नॉर्मल तरीके से लोगों के घर में जॉब पहुंचाई जा सकती है। बट हाँ, केवल एक फ्री लेवल पे अप्रोच भी नहीं कर सकते, हर चीज़ फ्री दे दी जाए, उसी में सबको बहुत अच्छा लगने लग जाए और अपने पुराने वो खराब अनुभवों को आपको भी छोड़ना पड़ेगा। एक्सपीरियंस जो आपके पुराने खराब हुए हैं, लोगों से आपको गलत जानकारियाँ जो मिली हैं उसको आधार बना करके नए एक्सपेरिमेंट केवल करना मत भूलें, प्रयोग करें, आगे बढ़ें, आ करके मिले, लोगों को जानकारी दें। कल का जॉब हंट ड्राइव आपका इसी गर्मी में ज्वाइनिंग आपकी कई इंतजार कर रही है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को ऑल करिए, mysorejob.com को गूगल क्रोम में ओपन करके ओपन करिए, नोटिफिकेशंस आपके पास सारे रोज डेली बेसिस में आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव mysorejob.com, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।